हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि भाई इतने सुबह सुबह मैं पहले कैसे उठ गया इतना जल्दी। तो भाई बता दूं, यार सुबह जल्दी उठा नहीं हूँ एक्चुअली। मैं कल रात में सोया ही नहीं हूँ क्योंकि यार एक प्रॉब्लम हो गया था कि जब भी जो मैं ब्लॉग्स बना रहा था उसको मैं जो प्रीवियस पावर डायरेक्टर से एडिट कर रहा था, और पावर डायरेक्टर से एक चीज़ प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियोस को बना मतलब कि शूट कर रहा था 1080 पिक्सल्स में 4K में, और बट उसको एक्सपोर्ट करना पड़ जा रहा था 720 में, क्योंकि वो पेड वर्जन के बाद ही वो अनलॉक होता कि आप उसको एक HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करो या फिर 4K में एक्सपोर्ट करो। तो यार ये चीज़ देखकर बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मैं ध्यान नहीं दे रहा था इतने टाइम से अपने इस वीडियो पे, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मैं बोला उसको तुरंत अनइंस्टॉल किया, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन की। इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन टू यूज़ फॉर द बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है वो, बट फिर भी वो मेरे को जम नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने काइनमास्टर इंस्टॉल किया, और काइनमास्टर मेरे लिए क्वाइट नया था। तो मैं सोच रहा था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो बार बार ट्यूटोरियल देखना पड़ रहा था। यूट्यूब पर जाके मैं उसका ट्यूटोरियल सर्च कर रहा था, देख रहा था, और फिर उसके बाद अपने वीडियोस को एडिट कर रहा था। तो बेसिकली ये हुआ था कल रात को, और यही करते करते सुबह के 5-6 बज गए। अभी जाके मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हुआ है, अभी थोड़ी देर में उसको अपलोड कर दूंगा और आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। हाँ तो भाई लोग, अभी 4 बज चुके हैं दोपहर के, और अपन अभी लंच वंच करके बैठे। यार तुम सोच रहे हो कि हर बार ब्लॉग में खाने पीने की बात करते हैं, लेकिन क्या करूं, घर पर रहता हूँ, खुद से यूजुअली बना लेता हूँ, हम लोग खुद से ही बना लेते हैं। बाहर का तभी खाता हूँ जब किसी काम से बाहर रहता हूँ या ऑफिस जाता हूँ या शूट पर रहता हूँ, तभी मैं बाहर का खाता हूँ। अदरवाइज मैं घर का ही खाता हूँ, क्योंकि घर का खाना बेस्ट होता है भाई। और भाई जहाँ तक बात है कुकिंग की, तो जज मत करना, कुकिंग इज एन आर्ट, और कुकिंग आई थिंक थोड़ी बहुत तो हर किसी को आनी चाहिए। कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, घर पे कोई भी है तो डिपेंड ना होने का ये मतलब नहीं है कि इसका कुछ गलत सेंस नहीं है, बट कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत अगर खुद से तुमको कुकिंग आती है तो फिर तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा, कुछ भी बना के खा लोगे। तुम्हें मतलब जैसे बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं रहोगे, तो थोड़ा बहुत कुकिंग तो हर किसी को आनी चाहिए। और बचपन से मेरे को आर्ट में थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ड्राइंग ये सब करता था। फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट चेंज होते गया, फिर ड्राइंग करते करते जब लैपटॉप मोबाइल का टाइम आ गया, तो फिर अपन मोबाइल से एडिटिंग और डिजिटल ड्राइंग करना शुरू किया। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ ना कि हम लोग जब कॉलेज में थे, मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग जब भी कॉलेज में रहते थे, मतलब बाहर हम लोग डे स्कॉलर थे, तो बाहर हम लोग एज अ एक बंगलो लेके रहते थे, एक डुप्लेक्स लेके रहते थे। तो वहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, मतलब है अभी भी, घर पे जब भी चिकन आती थी ना तो मेरा फ्रेंड बनाता था, और माँ कसम बहुत तगड़ा चिकन बनाता था। तो हम लोग बोलते थे कि भाई इतना भयानक चिकन कैसे बना लेता है तू, तो बोलता था कि थी सिखा देंगे तुम लोग को भी, सिखा दूंगा कभी बनाने का मूड करेगा तो उसने मतलब मेरे को चिकन बनाना सिखाया कि देख अनुभव चिकन कैसे बनता है। और कसम से जिस दिन पहली बार चिकन बनाया था ना, तो जब मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे जो हम लोग खाने वाले थे, हम लोग खाए, सबने बड़ी तारीफ की कि अरे भाई क्या चिकन बनाया, क्या चिकन बनाया। तो ऐसा लगा कि भाई कुछ तो अच्छा काम किया कि लोगों को पसंद आया। और भाई पता है जब तुमको तुम्हारे काम की तारीफ मिलती है ना, तो वो काम करने में फिर इंटरेस्ट आ जाता है, मजा आता है। बस वही चीज हुआ कि अपन को जो तारीफ मिली उस दिन, लोग बोले कि हाँ भाई बहुत अच्छा चिकन बनाता है यार तू तो। फिर मेरे बाकी फ्रेंड भी जो आसपास में रहते थे ना, वो लोग भी कभी कभी आ जाते थे चिकन खाने के लिए, तो इससे इनकरेजमेंट होता है। और यहीं से मेरे को कुकिंग का शौक हुआ कि हाँ चलो भाई अब थोड़ा बहुत तो कुक करना हर कुछ सीख लेंगे। और फिर उसी के बाद धीरे धीरे करते करते चिकन, फिर छोटी मतलब मैक्सिमम सारी चीजें लगभग थोड़ी बहुत तो बनाना आता ही है मेरे को। पूरा यूट्यूब भाई जो भी कहो, यूट्यूब पे काम करना थोड़ा मतलब ट्रिकी रहता है, क्योंकि तुमको टैक्स के साथ खेलना होता है, रैंकिंग में लाना होता है, तो भाई इन सब चीज में माइंड को यूज करना जरूरी है। तो जब भी अपने व्यूज देखता हूँ ना, तो व्यूज देखने के बाद लगता है कि यार कहाँ पे कमी कर रहा हूँ। और यार तुम लोग भी फीडबैक देके मेरे को बताओ कि कहाँ पे मैं कुछ अगर मेरे से छूट रहा है, अगर कहीं पे कुछ कमी लग रही है, तो मेरे को फीडबैक दो मेरे को कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा कि भाई कैसा क्या कर रहा हूँ, तभी जाके मेरे को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा फिर उस पर। ऐसे खुद से मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा जब तक आप लोग मेरे को नहीं बताओगे कि कहाँ पे
क्या मिस हो रहा है। तो अभी चलो देखता हूँ कि भाई यूट्यूब पे क्या मेरा सीन चल रहा है अभी तक का। हाँ तो भाई लोग रात के 10 बज चुके हैं और डिनर की तैयारी कर रहे हैं। और क्या भाई, आज पूरा दिन कुछ किया नहीं, बस सिर्फ यूट्यूब के लिए रिसर्च कर रहा था कंटिन्यू कि भाई कैसे उसको रैंकिंग में लाना है या एसईओ के बारे में सारा कुछ। ऑल्दो ये सारी चीज़ें, मतलब कि मैंने जितनी भी चीज़ें देखी यूट्यूब पे, जितने भी सजेशंस थे या उनके ट्यूटोरियल्स थे जो यूट्यूबर बना के अपलोड करते हैं कि कैसे आपका वीडियो सर्च इंजन, मतलब कि टॉप रैंकिंग पे आएगा, सर्चेज में आएगा, वो सारा मुझे ऑलरेडी पता था। उसमें कुछ नया मिला नहीं अपने को, क्योंकि भाई अपन यूट्यूब स्टार्ट किए थे 2016 में, जब मैंने अपना फर्स्ट म्यूजिक लॉन्च किया था। वो अभी भी मेरे चैनल पे, अनुभव सिंह के चैनल पे, और उस टाइम से ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बीच में रोस्टिंग स्टार्ट की थी, कुछ दिन कंटिन्यू किया, फिर नहीं किया, और फिर मैं ड्रॉप कर दिया यूट्यूब का चैनल। और फिर फाइनली अभी जाके अपना यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट किया हूँ, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोना लीव इट। मतलब कि इस टाइम मेरे को क्विट नहीं करने का, इस बार मेरे को कंटिन्यू करने का। इसके लिए मैंने ब्लॉगिंग चूज किया कि भाई अब ब्लॉगिंग अपना रोज अपन लोग कर सकते हैं। देखो भाई, मैं जब घर पे रहता हूँ ना, तो मम्मी कुछ बनाती है जो कि अगर मेरे को नहीं अच्छा लगता है, जैसे कि सब्जी वब्जी, तो मैं भी यही बोलता है। पर मतलब पटल परवल जो रहती है ना, जैसा बीज है नहीं खाएंगे, सीधा बना देंगे, क्योंकि बीज है नहीं खाऊंगा। उनको बीज है पसंद है, पागल है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, तुम बात कर रहे हो भाई, परवल का बीज बोल रहा है ना, तेरा दिमाग खराब है, पसंद नहीं तुम्हें? अरे परवल का सब्जी बना के खिलाता हूँ उसे। नहीं सब्जी ठीक है, खाने का खा लूंगा, लेकिन भाई साहब अगर उसका बीज मेरे मुंह में टूटा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भाई, उल्टी हो गई। एक बार ये क्रिस्पी परवल देखो, हालांकि मेरे को परवल की मिठाई पसंद है। परवल की मिठाई पसंद है मेरे को, परवल का एक ही चीज खाता हूँ, भुजिया आलू के साथ, अभी अंडे वंडे के साथ फ्राई किया रहेगा बढ़िया से, तभी खाऊंगा। क्या खिलाया भाई साहब, लिट्टी चोखा गोली चल गई है भाई, गोली चल गई थी ना लिट्टी और चिकन के लिए। किसके गोली चल गई? क्या बात, बराती आया था, चिकन नहीं मिला, लिट्टी और चिकन नहीं मिला, ब्लैंक फायर के ऊपर। बारात को मैं लिट्टी और चिकन नहीं मिली, गोली चला दिया एयर फायर में। इशारा क्यों नहीं देगा तुम हमको भाई, लिट्टी किसी लग गया, कैसे नहीं देगा? अरे कैसे लग गया, वाले हो तो 1000 रुपए खर्च करके मंगा लो, बीमारी से क्या मांग रहे हो भाई? इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, रंगदारी। अब कैसा घर होगा नहीं पता, लेकिन पक्का इधर इधर कोई घर होगा जिसके ऊपर से कोई ऐसा झाक के देख रहा होगा, कह रहे भाई साहब लड़ाई हो गई, वाह अभी चलो गोली गन निकाल दे। जैसे बोलो गन निकाल दे, नीचे तो चलो गोली धा मारी लग लग कपार में, तो ऊपर से नीचे धर मने तुरंत गिर जाइया चल्ला हो गिल राम नाम सच स्वाहा। और देखा उधर से झाक कर कैसे गोली चल रही नहीं बाम। बारात को तो बहुत लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब करते हैं। अभी आती नहीं बारात मोहल्ले में, पहले आती थी। अभी बता रहा हूँ एक्चुअली मैं कि पहले भाई क्या होता था ना कि बिहार में तो शादी वादी होती थी, तो बारात जैसे बड़े लोग की शादी हो रही, नाम नहीं लूंगा जात, बड़े जात पात वाले लोग की, तो वो लोग साला तो क्या करते थे ना कि बारात में फायरिंग करते थे भाई। बहुत दफा ऐसा हुआ है ना कि फायरिंग किए हैं, ऊपर से बारात कोई देख रहा है, मतलब घर से झांक के देख रहा है, छत से या बालकनी से भाई लग गई, ऊपर से सीधा नीचे टपका है। ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा कितना न्यूज सुन रहा है, क्योंकि नशे में लोग डायरेक्ट 90 डिग्री पर नहीं रखते बंदूक को भाई। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई शूटर थोड़ी ना ऐसे होशियार बने हैं, ऐसे पकड़ 90 डिग्री पर ये में पकड़े हुए होशियार को यही धक्का दिया, ये तो इधर जाएगी। दूसरी बड़ी बात है, गन का रिकॉइल भी तो होता है ना, तुम मारोगे ऐसा करके तो किधर, मतलब झटका देगा रिकॉइल, अगर तुमको तुम फैमिलियर नहीं हो घर से तो तुम प्रॉपर नहीं चला सकते हो, तुम अपना हाथ वाथ डिसलोकेट कर लोगे, बोन वन डिसलोकेट हो जाएगी तुम्हारी, अगर सही से तुम नहीं पकड़े हो उसको। हाँ तो गाइस आज यही था अपना डेली का रूटीन, यही था आज का हमारा ब्लॉग। अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि 12 से ऊपर हो चुके हैं और अभी एडिट वेडिट सब कुछ करना है, और फिर अभी एडिट वेडिट करके उसके बाद सो जाऊंगा, आज रात को ही अपलोड कर दूंगा। भाई अगर ब्लॉग यहाँ तक देख ली और तुम्हें ज़रा भी अच्छा लग रहा है ब्लॉग, या फिर अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा भाई थोड़ा ब्लॉग के ऊपर मेहनत कर रहा है रोज, तो भाई चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और
बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ तो तुमको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।